हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहतरीन प्लान होने वाला है, क्योंकि जो स्टेयर केस है ये मैंने बाहर से मतलब बारंदे से ली है और आपको एक बारंदा मिलता है जो कि आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है। ये देखिएगा, ये बारंदा है, साइड से मैं अगर दिखाऊँ और थ्री साइड ये क्लोज है, देखिएगा चारों तरफ से आपका वो क्लोज मिलता है और फ्रंट से बेहतरीन आपको एलिवेशन मिलता है, बेहतरीन डिज़ाइन मिलता है। आगे की रेलिंग की बात करें, ग्रिल की बात करें, तो वो भी आपको बेहतरीन से मिलती है। सामने आपका रोड है, रोड के बाद ये स्टेयर्स हैं जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस मॉडल को मैं पहले जूम करके दिखाता हूँ, इससे आप इसका और रियलिस्टिक व्यू प्रॉपर तरीके से देख पाएँ इसमें क्या डिज़ाइन है और रेलिंग इसका कैसा डिज़ाइन है, और इसको पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से आप देखें। और इधर जो स्टेयर्स केस गई हैं वो आपकी कैसे गई हैं, सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसके अगर हम साइज़ की बात करें तो 32x36 फिट, 32 इसका फ्रंट है और 36 इसका बैक साइड है, पूरा साइड साइड है, सॉरी बैक नहीं, 32 फ्रंट और साइड में आपका 36 है। तो 32x36 फिट में प्लान है पूरा ओवरऑल, और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो ये देखिएगा, मैं आप चारों तरफ से आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट ग्राउंड फ्लोर की बात करें या इंटीरियर की बात करें, उसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले आपको तीन पिलर मिलते हैं, इसके ऊपर बीम मिलता है जिसमें ये जिगजैग मोशन बना हुआ है, यही घर को आपको एक नया लुक देते हैं। ये आपका बीम पड़ा हुआ है, जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर चढ़ेंगे तो देखिए आपको बारंदा मिलता है। मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ कि देखिए टॉप से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बारंदा मिलता है। इसके बाद ये आपको मेन डोर ये है आपका, इधर लेफ्ट और राइट साइड में दो बेडरूम है, उसके लिए मैंने देखिए अलग अलग आप बारंदे से एंट्री दी है दोनों बेडरूम में। इस तरफ भी आपको गेट दिया, इधर विंडो दिया है, इधर केवल गेट दिया है, विंडो देने का जगह नहीं था। तो अब मेन डोर से जैसे एंट्री करते हैं, मेन डोर जो है उसके साइड में विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, तो आप एक गैलरी नुमा एरिया में आ जाते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपको दो बेडरूम मिलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों बेडरूम में डोर और विंडो आपका दिया हुआ है। और राइट हैंड की बात करें तो आपको एक ये फ्रंट में बेहतरीन से बेडरूम मिलता है। तो ओवरऑल 32x36 में आपको 3 बेडरूम, बारंदा, स्टेयर्स और पीछे आपका ये देखिए किचन एरिया है, और सबसे पीछे जाएंगे इधर से आपका एक गेट दिया हुआ है, साइड किचन के साइड से होते हुए पीछे आपका लेट बाथ मैंने क्रिएट किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में लेट बाहर होता है तो आप एज ऐसे बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने जगह छोड़ रखा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, ये एक बेहतरीन सा आपका डिज़ाइन 3 बेडरूम के साथ मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा है, और मैं डोर वगैरह भी बाहर से दे रखे हैं, बाहर से भी बेडरूमों में एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्टेयर्स आपकी देखिएगा, बारंदे से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऊपर आएंगे यहाँ तक लगभग 5.5 फिट तक, इसका फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेहतरीन सा आपकी स्टेयर केस भी बना हुआ है और बेहतरीन सा डिज़ाइन है। ये तो फर्स्ट फ्लोर की बात हो गई, बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुँचेंगे तो चारों तरफ मैंने 3 फिट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल या रेलिंग जिसे बोल सकते हैं, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ईंटों का और साथ साथ स्टील का किया है। ये ग्रिल आप जिसकी भी बनवाएं, स्टील का बनवा सकते हैं आप, लोहे का, आयरन का बनवा सकते हैं आप, ईंटों का भी बनवा सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल ये मॉडल कैसा लगा आप मैं ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मॉल हाउस प्लान को, तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार अपडेटेड वीडियो देता हूँ, लगातार नए नए मॉडल्स देता हूँ, तो आप देख कर एक नया लुक आपको मिलेगा और आप घर को डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, किसी भी प्रकार का डाउट है तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।